हेलो दोस्तों, एमकेएन एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आपके लिए आज असिस्टेंट प्रोफेसर का सबसे बड़ा अपडेट लेकर के आ गया हूं। और दोस्तों, अपडेट है यहां पर इंटरव्यू के रिजल्ट की, यानी कि दोस्तों आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर ने यहां पर इंटरव्यू का रिजल्ट जारी कर दिया है। तो दोस्तों, किस विषय का यहां पर इंटरव्यू हो चुका है और उसका रिजल्ट यहाँ पर जारी किया गया है, और दोस्तों उसमें कितनी यहाँ पर कट ऑफ मार्क्स बढ़ा है, वो सारी डिटेल मैं आपको इसी वीडियो में देने वाला हूँ। तो दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को पूरा देखना है और साथ में इस वीडियो को लाइक भी करना है और शेयर करना है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपके सामने यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू के रिजल्ट की ये वीडियो है, और इसमें आप देख सकते हैं आज का ये नोटिफिकेशन है, आज ही का है, 28/8/2024 का। इसमें दोस्तों जो सहायक आचार्य यानी कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर जो सिंधी प्रतियोगी परीक्षा हुई थी उसका यहाँ पर जो इंटरव्यू है उसका रिजल्ट जारी हो चुका है। और दोस्तों, आपके सामने यहाँ पर जो रिजल्ट है वो आ चुका है। इसमें दोस्तों जो मुख्य सूची है वो यहाँ पर जारी की गई है, यानी कि यहाँ पर दो कैंडिडेट को फाइनल रूप से सेलेक्ट कर लिया गया है इंटरव्यू के बाद में। और दोस्तों, इनका जो कट ऑफ मार्क्स है आप देख सकते हैं, मेल और फीमेल दोनों का यहाँ पर 116.38 पे कट ऑफ रहा है, और इनकी डीओ भी यहाँ पर बताई गई है। अब दोस्तों, इसकी जो रिजर्व लिस्ट है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, और उसके बाद में ये बताऊँगा कि कितना कट ऑफ यहाँ पर बढ़ा है। तो दोस्तों, इसकी ये जो आरक्षित सूची है आप देख सकते हैं, यानी कि रिजर्व लिस्ट है। अगर मान लो वो दोनों कैंडिडेट यहाँ पर ज्वाइनिंग नहीं करते हैं, फिर इन दो कैंडिडेट को यहाँ पर जो आरक्षित सूची में रखा है इनको यहाँ पर ज्वाइनिंग दी जाएगी। तो दोस्तों, आरक्षित सूची की जो कैंडिडेट है उनकी मेल और फीमेल की जो कट ऑफ है वो भी यहाँ पर बताई गई है, 108.27, और उनके रोल नंबर यहाँ पर दिए हुए हैं, और इनका जो डीओबी है वो 21/8/1993 यहाँ पर बताया गया है। अगर मान लो दोस्तों मुख्य सूची के कैंडिडेट अगर ज्वाइनिंग नहीं करते हैं, तो इस आरक्षित सूची के जो कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पर जो है ज्वाइनिंग दी जाएगी। ये तो थी दोस्तों फाइनल रिजल्ट की, यानी कि इंटरव्यू के बाद में। अब दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि यहाँ पर जो कट ऑफ है, पहले आप यहाँ पर एक बार नज़र डालें कि 116.38 पे यहाँ पर जो फाइनल कट ऑफ है इंटरव्यू के बाद में ये रहा है। और दोस्तों, इंटरव्यू से पहले जो इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट किया गया था वो रिजल्ट क्या था वो आपको मैं बता दूं। यहाँ पर दोस्तों 6 कैंडिडेट को पास किया गया था इंटरव्यू के लिए, और इनका आज इंटरव्यू हो चुका है, 28 तारीख है, आज ही इनका इंटरव्यू हुआ है और आज ये रिजल्ट जारी हुआ है। तो दोस्तों, इनकी जो कट ऑफ थी यानी कि मेल और फीमेल की अलग अलग थी, मेल की यहाँ पर 95.35 पे थी और फीमेल की 93.36 पे यहाँ पर थी। तो दोस्तों, आज जो रिजल्ट आया उसका 116 पॉइंट कुछ यहाँ पर रिजल्ट रहा है, और वो पहले वाला जो रिजल्ट था वो 95 पॉइंट लगभग 3-5 पे था। तो दोस्तों, लगभग आप देख सकते हो कि यहाँ पर 21 से लेकर 22 नंबर तक, यानी कि दोस्तों 21 से 22 नंबर तक यहाँ पर इंटरव्यू के बाद में फाइनल जो कट ऑफ है वो बढ़ चुका है। और दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बताया था कि कट ऑफ कम से कम 20 से 30 के करीब कट ऑफ बढ़ेगा हर विषय का, और ये पहले आपको बता दिया था, और वैसा ही हुआ है। लगभग 21 से 22 तक यहाँ पर जो कट ऑफ नंबर है वो बढ़ चुका है। इसमें फिर आप एक बार नज़र डाल सकते हैं, यहाँ पर 95.35 और 93.36 ये रिजल्ट है पहले वाला, यानी कि जो इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट किया था। और दोस्तों, यहाँ पर जो मुख्य सूची का आपके सामने रिजल्ट है 116.38 पर, तो लगभग 21 से 22 नंबर यहाँ पर बढ़ चुके हैं। और दोस्तों, ऐसा हर विषय में होने वाला है, यानी कि जो इंटरव्यू के बाद में रिजल्ट आएगा उसमें आपका कम से कम 20 से लेकर 30 नंबर तक यहाँ पर इंटरव्यू का जो कट ऑफ है वो बढ़ने वाला है। तो दोस्तों, आज आरपीएससी ने फाइनल जो इंटरव्यू का रिजल्ट है सिंधी विषय का वो जारी कर दिया है, और कई विषयों की यहाँ पर जो है अभी रिजल्ट बाकी है इंटरव्यू के लिए, तो उनका भी यहाँ पर रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। और जिनका इंटरव्यू के लिए रिजल्ट जारी कर दिया है उनका जल्दी इंटरव्यू हो जाएगा और फाइनल रिजल्ट भी आ जाएगा। एक चीज़ दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि इनका जो यहाँ पर इंटरव्यू है वो आज यानी कि 28/8/2024 को ही हुआ है, और आज ही ये रिजल्ट जो है यहाँ पर जारी कर दिया गया है। तो दोस्तों, उम्मीद है ये जो सूचना है आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर दोस्तों इसी तरह असिस्टेंट प्रोफेसर की या आरपीएससी की कोई भी अगर आपको अपडेट लेनी है, तो एमकेएन एकेडमी का जो यूट्यूब चैनल है उसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएँ।